जानकारी के अनुसार ईश्वरी गंगा निवासी गोपाल पुत्र हिब्बत सिंह कुशवाहा बदरवास में ओवरब्रिज के पीछे हाईवे रोड पर चाय की गुमटी का संचालन करता है। उसी के सामने रावसर गांव के लिए सर्विस रोड मौजूद है। रात्रि के करीब 11:30 पर वह अपनी गुमटी के बाहर बैठा था और उसका पुत्र शिव कुमार कुशवाहा गुमटी के अंदर काम कर रहा था। तभी शिवपुरी की ओर से एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हाईवे से उतरकर उसकी गुमटी में आकर घुस गई, जिसकी चपेट में आकर वह घायल हो गया और गुमटी के अंदर बैठा उसका पुत्र शिव कुमार भी कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पिता पुत्र को अपने उपचार के लिए पहले बदरवास के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां दोनों बेहतर उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल पहुंचते ही घायल शिव कुमार की हालात और बिगड़ने लगी, जिसे देख डॉक्टर ने उसे तत्काल रेफर कर दिया। गोपाल कुशवाहा ने बताया कि वह अपने घायल पुत्र को एम्बुलेंस की मदद से ग्वालियर ले जा रहा था। इसी दौरान ग्वालियर का आधा ही सफर तय कर पाया तो उसके पुत्र ने उसी की गोद में दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतक शिव कुमार को बदरवास लाया गया, जहां बदरवास थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त स्कॉर्पियो कार में दो लोग सवार थे, जो मौके से फरार हो गए। पुलिस ने वाहन क्रमांक MP 33 CN 9316 को जब्त कर वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।